दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा बीजेपी की तरफ से उन्हें सीएम पद की पेशकश के खुलासे पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सिसोदिया पर बड़ा बयान दे डाला है। विज ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक साफ सुथरी पार्टी है, मनीष सिसोदिया को लेकर हमने पार्टी को गंदा नहीं करना है। विज ने सिसोदिया के ट्वीट पर कहा है कि ये भी एक ऑटो सजेशन का तरीका होता है, ये बताने का कि मुझे पार्टी में ले लो और मेरा केस वापस ले लो। विज ने सिसोदिया पर कई सवाल खड़े किए और कहा कि मनीष सिसोदिया बताएं कि उन्हें सीएम बनने का न्योता किसने दिया, किसने उन्हें बुलाया है, किसने उनसे बात की है। आखिरकार सिसोदिया उप मुख्यमंत्री हैं, किसी ऊंचे कद का व्यक्ति ही इनसे बात करेगा, लिहाजा सिसोदिया बताएं कि उन्हें किसने बुलाया है। विज ने फिर दोहराया कि सिसोदिया खुद से सुझाव दे रहे हैं कि मेरा केस माफ कर दो और मैं बीजेपी में आ जाऊंगा, लेकिन हमने भाजपा को गंदा नहीं करना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक साफ सुथरी पार्टी है। मनीष सिसोदिया को लेकर कोई पार्टी को गंदा थोड़ा करना। अब ये भी एक ऑटो सजेशन का तरीका होता है बताने का कि मुझे ले लो और मेरे केस माफ कर दो। उन्होंने एक ऑटो सजेशन दी है, जहाँ बताएं कि किसने कहा, किसने इनको बुलाया, किसने इनसे बात की। आफ्टर ऑल डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, किसी लेवल का व्यक्ति ही इनसे बात करेगा, किसने करी उसका बताएं। ये तो सुझाव दे रहे हैं कि भाई मेरे केस माफ कर दो और मैं बीजेपी में आ जाऊंगा, लेकिन हमने भाजपा को गंदा नहीं करना। सिसोदिया पर भले ही भाजपा नेता कितना ही आक्रामक रुख अपना रहे हों, लेकिन केजरीवाल सिसोदिया की तारीफ करने से नहीं हटते और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित करने की बात कर रहे हैं। विज ने केजरीवाल के इस बयान पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी और व्यंगात्मक तरीके से एक कहानी सुनाते हुए कहा कि मेरा एक अच्छा दोस्त हुआ करता था, वो जब भी परीक्षा में जाता तो प्रश्न कोई भी पूछो वो माई बेस्ट फ्रेंड का निबंध लिखाता था, क्योंकि उसको उसके सिवा कुछ आता ही नहीं था। विज ने केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि बात तो भ्रष्टाचार एक्साइज पॉलिसी की हो रही है, आरोप एक्साइज पॉलिसी पर लगाए जा रहे हैं और उसके बारे में आप एक भी शब्द नहीं बोल रहे और कभी शिक्षा नीति और कभी स्वास्थ्य की बात करते हो। बात ये है, मेरा एक दोस्त होता था, वो जब एग्जाम देने जाता था तो प्रश्न कोई भी पूछो वो माय बेस्ट फ्रेंड का ऐसे लिखाता था, क्योंकि उसको उसके सिवा कुछ आता नहीं था। बात तो हो रही है भ्रष्टाचार की, बात तो हो रही है एक्साइज पॉलिसी की, आरोप लगाए जा रहे हैं एक्साइज पॉलिसी के, उसके बारे में आप एक भी शब्द नहीं बोल रहे और कभी शिक्षा नीति की बात करते हो, कभी स्वास्थ्य की बात करते हो।